व्हाट्सअप माई टू फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिक्रोजाइम सिरप के बारे में, जिसका कंपोजिशन है गाइज फंगल डाइस्टेज पेप्सिन विथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और ये शुगर फ्री सिरप है, इसके बारे में आज हम पूरा कंप्लीट बात करेंगे, आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज मिलेगा। तो फंगल डाइस्टेज पेप्सिन के साथ साथ आपको इसमें विटामिन बी मिलेगा और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि विटामिन B1, B2, B6, नियासियामाइड, ये सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको इसमें मिलेगा गाइज। और जिंक सल्फेट भी आपको इसमें मिलेगा, कॉपर सल्फेट भी मिलेगा और मैंगनीज सल्फेट भी आपको इसमें मिलेगा। तो गाइज बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो गाइज जैसे कि इसमें फंगल डाइस्टेज आपको मिलेगा, ये कैसे मदद करता है ना, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट्स फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स खाते हैं, उनको गाइज ये ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ताकि वो जो फूड है वो अच्छे तरीके से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, यानी कि जो मैक्रोमोलेक्यूल्स होता है उनको ये ब्रेक डाउन करता है और स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स में कन्वर्ट करता है उनको, ताकि वो हमारे बॉडी में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो सके। और जिनको कहीं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम वगैरह रहता है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है और उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है उनके डाइजेशन के लिए। और इसमें आपको मिलेगा पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करता है ना, जो आप प्रोटीन्स खाते हैं, प्रोटीन रिच फूड्स वगैरह खाते हैं, वो कई प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करता है और डाइजेशन में मदद करता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है आपके लिए प्रोटीन्स वगैरह। और जिनको गाइज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम वगैरह रहता है उनके लिए ये अच्छे तरीके से काम करता है और प्रोटीन्स को गाइज ब्रेक डाउन करके हमारे बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। और उससे क्या होगा ना गाइज, आपकी भूख बढ़ेगा, यानी कि जिन पेशेंट्स को गाइज लॉस ऑफ एपेटाइट की प्रॉब्लम रहता है, भूख सही तरीके से नहीं लगता है, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। और जैसे कि इनडाइजेशन, हार्ट बर्न वगैरह की प्रॉब्लम, उनके लिए, उन पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। और क्योंकि ये डाइजेशन को इजी कर देता है बॉडी में गाइज, और जिनकी बॉडी में खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है उनको ये डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, ताकि उनका जो फूड वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो पाए और उनको भूख लगे, पेशेंट्स को भूख नहीं लगता है क्योंकि उनका खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इसको लेने के बाद खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है और पेशेंट को भूख लगता है और लॉस ऑफ एपेटाइट की प्रॉब्लम में भी ये काम में आता है गाइज। और एसिडिटी को भी कम करता है आपकी स्टोमक में और डाइजेशन को बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है। और गाइज फंगल डाइस्टेज और पेप्सिन के साथ साथ आपको इसमें मिलता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो गाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और अगर किसी पेशेंट को अगर विटामिन बी की डिफिशियंसी होगा तो वो पूरा करने में भी सिर्फ मदद करेगा। इसमें जैसे कि है विटामिन B1, B2, B6 और नियासियामाइड, तो अगर ये सब की आपकी बॉडी में कमी होगा तो उसको भी पूरा करने में ये मदद करेगा, आपकी भूख को बढ़ाएगा और आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। और गाइज छोटे बच्चों को भी डाइजेशन की प्रॉब्लम रहता है, किड्स को, तो अगर आप उन्हें देना चाहते हैं तो डॉक्टर के साथ डोजेस वगैरह के लिए आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये जो सिरप है इसको लेने से पहले आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई मदर अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराए अपने बच्चों को, वो भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करे इसको लेने से पहले, विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन या एडवाइस ये जो सिरप है इसका यूज ना करे। अगर किसी को लिवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है या और कुछ सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम से, हार्ट प्रॉब्लम है या अदर कुछ आपका मेडिकेशन वगैरह चल रहा है, और भी आपका कोई अदर मेडिकेशन चल रहा है डे टू डे लाइफ में, तो भी इसको लेने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें।
और ये जो इसमें लिखा गया है शुगर फ्री, तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो इसको ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों के एडवाइस के बाद, विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन आपको ये नहीं लेना है। कोई डायबिटिक पेशेंट हो या किडनी लिवर के पेशेंट हो, प्रेग्नेंट लेडी हो या कोई मदर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा हो या कोई भी, अगर आपको सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स है और भी कुछ मेडिकेशन वगैरह चल रहा है, तो ये जो सिरप है इसको लेने से पहले डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आप मेडिसिन का सेफ यूज कर सकें, सेफली आप किसी भी मेडिसिन का यूज कर सकें। और हमेशा ही ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए, विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन किसी भी मेडिसिन का यूज नहीं करना है। और इसका कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, जैसे कि स्टोमक अपसेट, पेनफुल इन यूरिनेशन, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, फीलिंग ऑफ सिकनेस, तो ये इसका कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। लेकिन अगर आपको कुछ भी साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है इसको लेने के बाद, तो तुरंत ही डॉक्टर को बताइए, कंसल्ट कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको इससे एलर्जी होता है, इसमें जितना भी कंपोनेंट्स है, इंग्रेडिएंट्स है ये सिरप में, अगर आपको उसे एलर्जी होता है तो ये आपको नहीं लेना है, और डॉक्टर को बताना है इसको यूज करने से पहले कि आपको इसे एलर्जी होता है। तो ये कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और ऐसे ही यूज करना है। और आपकी डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह देख के आपको डोजेस वगैरह रेकमेंड करेंगे, आपको कितने दिन तक लेना है, आपके लिए इसका डोज क्या होगा, आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से, आपकी बॉडी की नीड के हिसाब से डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे। तो यही कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और इसका जितना भी रेकमेंडेड डोज है उतना ही आपको यूज करना है। रेकमेंड डोज से कभी भी इसका ज़्यादा यूज आपको नहीं करना है। और गाइस, ये कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप है, डाइजेस्टिव एड है, जिन पेशेंट को गाइस डाइजेशन में इशू होता है, इंडाइजेशन की वगैरह की प्रॉब्लम रहता है, और इंडाइजेशन की वजह से जिनको गाइस हार्ट बर्न होता है, उनके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। और मैं कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं करता हूँ गाइज, ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए है। और आई होप गाइज, जितना भी मैंने आपको बताया ये छोटा सा वीडियो में आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहे। और अगर आपकी कोई डाउट्स है तो नीचे कॉमेंट में मेरे को जरूर पूछ सकते हैं, अगर मैंने कुछ गलत बोला है वो भी आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं। टेक केयर गाइस, स्टे फिट।